हेलो तो स्टूडेंट्स अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था ऑब्जर्वेशन ऑफ अवलोकन विधि तो ऑब्जर्वेशन में मैंने आपको बताया था कि ऑब्जर्वेशन है क्या इसके कुछ टाइप्स मैंने आपको बताए थे तो आज हम बात करेंगे इसकी करैक्ट्रिस्टिक्स इसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशन तो सबसे पहले बात करते हैं करैक्ट्रिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन की जो अवलोकन विधि उसकी विशेषता है क्या है तो साइंटिफिक ऑब्ज़र्वेशन इज़ सिस्टमैटिक वैज्ञानिक जो अवलोकन है वो एक व्यवस्थित तरीका है किसी भी चीज़ को जब हम अवलोकित करते हैं तो एक सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं ऑब्जर्वेशन इज स्पेसिफिक ये एक निश्चित है ऑब्जर्वेशन अवलोकन क्या है एक निश्चित प्रक्रिया है साइंटिफिक ऑब्ज़र्वेशन इज ऑब्जेक्टिव जो ऑब्ज़र्वेशन है वो वस्तुनिष्ठ है ऑब्जर्वेशन इज़ रिकॉर्डेड इमीडिएटली ये एक एकदम से रिकॉर्ड की जाती है ऑब्जर्वेशन इज़ एक्सपर्ट ये एक एक्स एक्सपर्ट आप बोल सकते हो कि एक सही प्रक्रिया है ऑब्जर्वेशन वेरीफिएबल और इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका इट इज़ बोथ फिज़िकल एज वेल एज मेंटल एक्टिविटी तो ये फ़िज़िकल और मेंटल दोनों ही तरह की एक्टिविटी है द ऑब्जर्वेशन आई कैच मैनी थिंग्स विच आर साइटेड बट अटेंशन इज़ फोकस्ड ऑन डाटा दैट आर पर्टेन टू द गिवन स्टडी तो जो जैसे हम कोई चीज़ आँखों से देखते हैं विचार साइड और जो हमें दिखती है अटेंशन इज़ फोकस्ड ऑन डाटा दैट आर परटेंड टू तो द गिवन स्टडी और जो ऑब्जर्वेशन है जो अटेंशन है वो उस पर दी जाती है जो कि डाटा हमें परटेंट किया जाता है फॉर अ गिवन स्टडी ऑब्जर्वेशन इज सेलेक्टिव आप बोल सकते हो कि ये सिलेक्टिव है मीन्स किसी चीज़ को चुन के चुन या चुनने वाली प्रक्रिया आप बोल सकते हो इसको ऑब्जर्वेशन इज़ परपज पर एंड नॉट कैजुअल ये एक किसी उद्देश्य से होती है एक कैजुअल प्रोसेस नहीं है ये इट कैप्चर्स द नेचुरल सोशल कंटेक्स्ट इन विच पर्सन बिहेवियर्स अक्कर तो एक जो प्राकृतिक जो प्रक्रिया सामाजिक जो प्रक्रिया है ये उसके द्वारा ही होते हैं मीन्स किसी को ऑब्जर्व करते हैं उसके नेचुरल uh, कोई भी चीज़ जब नेचुरल तरीके से अक्कर कर रही तो उसको ऑब्जर्व ऐसे किया जाता है तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है फिर आता है इसके एडवांटेजेज ऑफ ऑब्जर्वेशन ये रिलायबल भी है ऑब्जेक्टिव भी है मींस, ये वस्तुनिष्ठ भी है और रिलायबल uh, का मतलब कि ये वैलिड और रिलायबल किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेबल आप बोल सकते हो कि काफ़ी समय तक चलती है नेचुरल सेटिंग के अंडर होती है ये यूज़फुल फॉर यंग एंड शाई चिल्ड्रन ये आप बोल सकते हो कि जो यंग चिल्ड्रंस हैं और जो शाई नेचर के बच्चे होते हैं उनके लिए यूजफुल है, नो नीड ऑफ इक्विपमेंट और टूल इसमें किसी भी इक्विपमेंट और टूल की जरूरत नहीं होती यूजफुल फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप ये एक व्यक्तिगत और समूह दोनों के लिए लाभदायक है इमीडिएट डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम और इसमें इमिटेट एक तत्काल जो आप बोल सकते हो निर्देशन तो है किसी भी समस्या का वो दिया जाता है मोस्ट डायरेक्टेड मेजर ऑफ बिहेवियर और इसमें क्या है जो बिहेवियर की हम मेजरमेंट करते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है प्रोवाइड डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन और इसमें जो इन्फॉमेसन सूचना मिलती है वो डायरेक्ट होती है ईजी टू कम्प्लीट सेव्स टाइम ये ईजी है टाइम को कंप्लीट करने के लिए और टाइम बचाती है कैन बी यूज नेचुरल और एक्सपेरिमेंटल सेटिंग और ये नेचुरल सेटिंग में भी हो जाती है प्राकृतिक सेटिंग uh, में और एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में भी हो जाती है फिर तो डिसएडवांटेजेस इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं सब्जेक्टिविटी है लेस एक्यूरेसी कम इसमें मतलब कोई भी चीज़ है वो आप हो सकते हो कि सब जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो ज़रूरी नहीं है कि ठीक ही हो इंटरफेरेंस भी हो जाती है इसमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव रिक, रिकॉर्डिंग लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी अनेचुरल सिचुएशन में भी हो जाती है एक्सपेंसिव मतलब महंगा है स्लो एंड लेबोरियस ये धीमी और लेबोरियस प्रोसेस है बायसड इसमें कई बार बायसनेस हो जाती है लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम पीपल और कई बार क्या है पीपल जो है वो कोऑपरेट नहीं करते फेवरेटिज्म इसमें फेवरेटिज्म आ जाता है कि हाँ इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको नहीं कर रहे हैं इस तरह से मे रिक्वायर ट्रेनिंग इसमें प्रशिक्षण की जरूरत होती है ऑब्जर्वर प्रेजेंस में क्रिएट ऑफ आर्टिफिशियल सिचुएशन और जो ऑब्ज़रवर है उसकी प्रेजेंस कई बार क्या है आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि अगर जैसे हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको पता चल जाए कि हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मतलब वो सिचुएशन जो जो उसकी आप बोल सकते हो कि प्रक्रिया है उसमें चेंज आ जाता है डिफिकल्ट टू एनालाइज एनालिसिस में ये कई बार डिफ़िकल्टी ले आती है इन सम केसेस द यूज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड में भी अनइथिकल कई बार क्या होता है कुछ केसेस में जो अवलोकन प्रक्रिया है वो अनइथिकल हो जाती है एज इन ऑब्जर्विंग पीपल विदाउट देयर नॉलेज और कंसेंट अगर हम किसी को उनकी बिना नॉलेज और उनकी कंसेंट के बिना ऑब्जर्व करते हैं कि उनको बिना बताए आ, इसके पर्पज आप बोल सकते हो या पहले भी डाल सकते हो करेक्टर सिक्स से पहले कि जो इसके अवलोकन के उद्देश्य क्या क्या हैं टू कलेक्ट डाटा डायरेक्टली आंकड़ों को प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित करना या पहले डाल सकते हो करैक्टर सिक्स से पहले टू कलेक्ट सब सबसब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डाटा इन शॉर्ट टाइम स्पेन कम समय में ठोस आंकड़ों को एकत्रित करना कि मतलब ठोस का मतलब कि जो एक रिलायबल हो टू गेट आई विटनेस फर्स्ट हैंड डाटा इन रियल लाइफ सिचुएशन मीन्स आई विटनेस का मतलब कि जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है एक रियल लाइक सिचुएशन में वो डाटा एकत्रित करना टू कलेक्ट डाटा इन नेचुरल सेटिंग आंकटों को प्राकृतिक और जैसे जैसे वो हैं ज्यों और त्यों मीन्स जैसे as it is, वो एज इट इज़ वो हैं उनको कलेक्ट करना करेक्टर सिक्स मैंने आपको यहाँ पीछे भी बता दी तो उसमें अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मिसिंग है तो यहाँ से आप डाल सकते हो उसके बाद आता है स्टेप्स फॉर ऑब्जर्वेशन अवलोकन के चरण तो पहला आता है प्लानिंग कोई भी चीज़ हमने ऑब्जर्व करनी तो सबसे पहले प्लान करते हैं कि हमने कब ऑब्जर्व करनी है कैसे ऑब्जर्व करनी है किसे ऑब्जर्व करना है एग्जीक्यूशन क्रियान्वयन फिर उसको हम क्रियान्वयन करते हैं कि हाँ हमें ये करना है फिर रिकॉर्डिंग फिर इसको रिकॉर्ड करते हैं फिर इसको इंटरप्रेट करते हैं फिर आता है इंटरप्रेशन फिर लिमिटेशन, लिमिटेशन मैंने आपको बताया था कि इस्टाब्लिशिंग वैलिडिटी इज डिफिकल्ट तो इसमें इसकी वैलिडिटी क्या है डिफ़िकल्ट है सब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठ है ये इट इज़ स्लो एंड लेबोरियस प्रोसेस आपको पहले भी बता हैं डिसएडवांटेज में टाइम एंड मनी कंज्यूमिंग ये दोनों समय और धन दोनों की तरह बोल सकते हैं आपकी खर्चीला है डाटा में भी अन मैनेजेबल के बाद डाटा अन मैनेजेबल होता है और बायसनेस हो जाती है इसमें सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट नाइट